स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो था स्लैब रेट। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? तो हम लोगों ने स्लैब रेट पढ़ा ना बच्चों, बिल्कुल। हमने इनकम टैक्स रेट पढ़ा और फिर आज हम लोगों ने फिर स्पेशल रेट पढ़ा। स्पेशल रेट भी तो पढ़ा, स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट पढ़ा। चलो तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने देखा, लेकिन सर हम लोगों ने इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक भी डिस्कशन नहीं किया था। तो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। आइए तो आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आइए कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन विजिबल है, आ जाओ। तो कहता है बच्चों, सबसे पहले कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स लायबिलिटी किन का? तो रिंकू जी का। चलो रिंकू जी का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। और इनका जो इनकम है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी से, वो कितना है? 8 लाख रुपीज। एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपीज। बच्चों अभी तक दो इनकम दिखा, एक नॉर्मल इनकम एक स्पेशल इनकम। एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल है ना बच्चों। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम कितना? 4 लाख रुपीज। हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 2,80,000। इनका टोटल इनकम हो जा रहा है 17,80,000 रुपए। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स। सर एक बात बताइए, इन पर दो तरह का टैक्स रेट लगेगा, एक तो स्लैब रेट लगेगा। लगेगा? हाँ सर बिल्कुल, स्लैब रेट लगेगा, उसके बाद स्पेशल रेट लगेगा, स्पेशल इनकम टैक्स रेट लगेगा। गुड, स्लैब रेट याद है? हाँ सर याद है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए हम इन्हें रेसिडेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? रेसिडेंट मानेंगे। हमें क्या एज्यूम करना है? तो हमें इन्हें रेसिडेंट एज्यूम करना है। एज नहीं दिया हुआ है बच्चों, अगर क्वेश्चन में एज मेंशन ना हो तो हम इन्हें 60 ईयर से बिलो का एज्यूम करेंगे। क्या मानेंगे? कि ये 60 साल से कम के हैं। अच्छा 60 साल के लिए रूल क्या था आपको याद है? मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था अप टू 2.5 लाख। देखो मैंने आपको ये बताया था 2.5 लाख रुपए तक हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता। नील हम लोगों ने पढ़ा था शशांक? Yes, फिर 2.5 लाख से लेकर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक हमें 5% देना है। उसके बाद 5% से लेकर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक हमें 20% देना है, और 10 लाख से अबव हमें 30% देना है। ये याद है आपको? Yes, अगर नहीं याद है तो आप प्रीवियस क्लास का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सर इनकम टैक्स क्या रूल बताता है? तो बच्चों इनकम टैक्स रूल बताता है कि सबसे पहले आप स्पेशल इनकम पर टैक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि बच्चों स्पेशल इनकम हमेशा तो नहीं आता ना, मेहमान है, गेस्ट है, कभी कभी आ रहा है। तो जब गेस्ट आ रहे हैं तो पहले गेस्ट का स्वागत कीजिए। स्पेशल इनकम आपके यहां मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उनका स्वागत किया जाए। तो चलो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो टैक्स कैलकुलेशन शुरू करेंगे। शुरू करें? चलो तो सबसे पहले हमारा टोटल इनकम कितना हो गया भाई? 17,80,000 रुपए। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर है। अब आते हैं, सर एक बात बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें कितना टैक्स देना होगा? 20%, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी है। अच्छा बच्चों ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन साइलेंट है, नहीं बताया गया है किस सेक्शन में है। तो हम अपने आप मान लेंगे कि अंडर सेक्शन 112, सेक्शन 112 का है। देखो मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, स्क्रीन पर देखना आप। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं,
एक सेक्शन 112 जिस पर हमें 20% पे करना होता है, एक सेक्शन 112A, ओके, मतलब बच्चों सेक्शन 112A अगर 1 लाख के बियॉन्ड होगा तो 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस केस में सेक्शंस तो बताए नहीं गए हैं, तो जब सेक्शन नहीं बताए गए हैं तो आप इसको क्या मानकर चलिएगा, आप मानकर चलिएगा कि ये सेक्शन 112 का पार्ट है, ओके। तो आइए हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टैक्स कैलकुलेट करना शुरू किए टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो LTCG पर हमें कितना टैक्स कैलकुलेट करना है, 20%, ठीक है भाई। कौन सा सेक्शन हम मान लिए, सेक्शन 112। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा है कितना, आप देख लो बच्चों, 3 लाख का 20% हो जाएगा 60,000, और कैजुअल इनकम पर हमें 30% पे करना होता है। अब तुम सोच रहे होगे ना कि सर कैजुअल इनकम क्या है। बच्चों वैसा इनकम जो गैम्बलिंग इन नेचर है, जिसको गवर्नमेंट एक तरह का जुआ मानती है, जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स, जैसे कार्ड गेम्स, ताश, जुआ, हॉर्स रेस, ओके, इस तरह के जो भी हैं जिस पर हम सट्टेबाजी करते हैं, इस तरह के इनकम पर 30% टैक्सेस लगता है। इसे हम कैजुअल इनकम कहते हैं। तो कैजुअल इनकम पे 30% लगेगा, तो 4 लाख का 30% होता है बच्चों 1,20,000। चलो ठीक है भाई, तो हम लोगों ने इस पर भी टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो इस पर हमारा टैक्स हो गया 60,000 और इस पर हमारा टैक्स हो गया 1,20,000। अब एक बात बताओ बच्चों, हमारा टोटल इनकम कितना है। तो टोटल इनकम हमारा 17,80,000 था। कितना था बच्चे, हाँ 17,80,000। इसमें से हम लोगों ने पहले स्पेशल इनकम को अलग कर लिया, क्योंकि उस पर ऑलरेडी टैक्स निकाल चुके हैं ना बच्चों। तो स्पेशल इनकम कितना हो गया, एस इनकम का मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है स्पेशल इनकम। तो देखो, एक तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया और दूसरा हमारा कैजुअल इनकम हो गया। तो 4 लाख और 3 लाख दोनों मिलाकर कितने हो गए, 7 लाख। तो 17,80,000 हमारा टोटल इनकम है। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन को आप देखो, टोटल इनकम कितना है बच्चों, 17,80,000, गुड। इसमें से हमने पहले दोनों इनकम को माइनस कर दिया। क्यों, आप सोच रहे होगे ना, सर आपने क्यों लेस किया, सर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। अरे भाई, हमने ऑलरेडी इन दोनों पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, तो दो बार टैक्स कैलकुलेट करेंगे क्या, लॉजिकल सी बात है ना। आ जाओ, तो 17,80,000 में से हमने दोनों स्पेशल इनकम को माइनस कर लिया। अच्छा, वो दो स्पेशल इनकम क्या क्या है भाई, एक LTCG प्लस कैजुअल इनकम, ओके डन, लेस कर लिया। बचा कितना हमारे पास, हमारे पास बच गया 10,80,000। अब हम इस पर क्या लगाएंगे, स्लैब रेट। जैसा कि रूल हमें पहले ही पता है कि 2.5 लाख तक इनकम टैक्स लॉ कहता है कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है, टैक्स क्या लगेगा, निल। टैक्स क्या लगेगा, निल, कुछ भी नहीं लगेगा। 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक हमें कितना परसेंट देना है, 5%। बच्चों आप सोचो ना, 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक कितने रुपए आते हैं, 2.5 लाख। तो इस नेक्स्ट 2.5 लाख पर हमें कितना पे करना है, 5%। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक हमें कितना परसेंट पे करना होगा, 20%। सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, 5 लाख से 10 लाख के बीच कितना अमाउंट आता है, 5 लाख। 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख, गुड। बैलेंस जो बचता है बच्चों, एज पर रूल जो पैसा बच जाएगा उस पर 30%। आप सोचो ना बच्चों, 10,80,000 रुपए में 2.5 लाख चला गया, फिर दूसरा 2.5 लाख पर भी हमने टैक्स निकाल लिया, फिर 5 लाख पर हमने टैक्स निकाल लिया, अब बचा कितना, 80,000 रुपए, उस पर 30% कितना हो गया, 24,000। हमने सभी टैक्सेस को ऐड किया, तो बच्चों जब हम सभी टैक्स को ऐड कर रहे हैं तो टैक्स कितना बन रहा है, 3,16,500।
बच्चों आपको लगता है क्या गवर्नमेंट इतना टैक्स लेकर आपको छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। हेल्थ और एडुकेशन सेस भी तो लगेगा। अच्छा बच्चों, सेस का डिफरेंस क्या है कि जो सेस एक ऐसा अमाउंट होता है जिसका इस्तेमाल बड़ा स्पेसिफिक होता है। सरकार इस पैसों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाएगी। तो 4% हेल्थ और एडुकेशन सेस लगेगा। किस पर लगेगा बच्चों? ये जो टैक्स बना है ना, 3,16,500 जो अमाउंट आया है उस पर हमें कितना पे करना होगा? 4%। तो ये 4% कितना आएगा? कैलकुलेटर पे चेक करो, 12,660 रुपए। हमने टैक्स को टोटल कर लिया, टैक्स पेबल कितना बना? 3,29,160 रुपीज। सिंपल। तो क्या सीखा आपने बताइए? अमित बताइए क्या सीखा? हाँ जी, आपने ये सीखा कि सर सबसे पहले हम स्पेशल इनकम पर टैक्स लगाए, जो इनकम बच गया, जो बच गया उस पर हमने स्लैब रेट लगा दिया, और फिर स्पेशल इनकम का टैक्स और स्लैब रेट का टैक्स हमने जोड़ दिया, फिर हेल्थ और एडुकेशन सेस उस पर ऐड कर दिया। होप सो कोई प्रॉब्लम है आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए सभी लोग और नोट डाउन कर लीजिए। रुकिए, मैं मिनिमाइज कर देता हूं क्वेश्चन को। ओके, दोनों चीजों को स्क्रीन पर आप इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन भी है और सॉल्यूशन भी है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए एक क्वेश्चन और उठाते हैं बच्चों, एक अलग टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले आप अपने कॉपी पर इसको लिख लो बच्चों। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो क्वेश्चन साइड हो जाता है ना, क्वेश्चन बार बार साइड हो जाता है, तो इससे भी एक प्रॉब्लम होता है। स्क्रीन पर नई जगह होने के कारण मुझे स्लाइड करना पड़ता है, तो ये भी एक इश्यूज आ जाते हैं। तो आप क्वेश्चंस को पहले नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में पीजीबीपी का इनकम दिया हुआ है 14 लाख रुपीस। तो प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हमारा इनकम 14 लाख आया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 6 लाख। डिविडेंट इनकम कितना आया बच्चों? 1 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 2 लाख। लॉटरी इनकम 3 लाख। हॉर्स रेस 1 लाख। बच्चों टोटल इनकम अगर हम करें तो इस क्वेश्चन में हमारा टोटल इनकम 27 लाख है। अब आप एक चीज नोटिस करो, हमारे पास दो तरह के इनकम है, एक स्पेशल इनकम। कैसा कैसा इनकम है भाई? तो हमारे पास एक स्पेशल इनकम है, दूसरा कैजुअल इनकम है। चले, जो स्पेशल इनकम है उस पर हमें पहले टैक्स निकालना होगा क्योंकि इनकम टैक्स लॉ कहता है। स्पेशल इनकम पर रेट भी तो स्पेशल होगा, है ना? आइए तो शुरू करते हैं। सुनिए सर, एक बात बताइए, चलो हाँ सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमें कितना टैक्स देना होता है? आपने पढ़ा है बच्चों कितना परसेंट टैक्स देना होता है? 20%, है ना? हम कितना परसेंट टैक्स पे करते हैं? 20% टैक्स पे करते हैं। उसके बाद लॉटरी पर हमें कितना टैक्स पे करना है? 30% कैजुअल इनकम पर। हॉर्स रेस भी तो आपका वैसा ही है ना, कैजुअल इनकम ही है, उस पर भी हमें कितना पे करना होगा? 30%। बाकी इनकम हमारे लिए क्या हो गए? नॉर्मल इनकम। तो नॉर्मल इनकम पर नॉर्मल रेट लगेगा जिसे हम स्लैब रेट कहते हैं। तो हम स्टार्ट करें, आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लिया, होप सो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। चलिए तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग टैक्स लायबिलिटी पर। देखिए
सबसे पहले हम लोग स्पेशल इनकम को उठाएंगे स्पेशल रेट से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें कितना टैक्स कैलकुलेट करना है? 20%। 20% किस सेक्शन में? सेक्शन 112। तो 20% हमारा कितना टैक्स बनेगा? 40,000। चेक कर लेते हैं बच्चों। बच्चों 2 लाख का 20% 40,000 होगा, लॉटरी का 30% निकालेंगे तो 90,000 होगा, हॉर्स रेस का भी 30% निकालेंगे तो 30,000 होगा, है ना। 1 लाख का 30% 30,000, लॉटरी 3 लाख है उसका 30% 90,000। आ जाओ तो हम लोगों ने, आप अपने कॉपी पे पहले क्वेश्चन लिख लेना बच्चों, तो इससे आराम होगा आपको। लॉटरी इनकम पर हमने 30% कैलकुलेट कर लिया, 90,000 हो गया। उसके बाद हॉर्स रेस पर भी हम लोगों ने 30% कैलकुलेट कर लिया, 30,000 हो गया। मतलब 1 लाख का 30% बेटो 30,000 होता है। अब तुम ये सोचो कि हमारा जो टोटल इनकम था वो था 27 लाख, था ना बच्चों? देखो हम हाईलाइट कर रहे हैं यहां पर 27 लाख, है ना। सॉरी एक जीरो छूट गया है, अच्छा चलो पुट कर देते हैं, हाँ 27 लाख। अब बच्चों इसमें हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, लॉटरी इनकम भी है, हॉर्स रेस इनकम भी है, तो इस तीनों इनकम तो स्पेशल इनकम हो गया ना। तो सबसे पहले हम 27 लाख जो कि हमारा टोटल इनकम है उससे हम स्पेशल इनकम को माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि स्पेशल इनकम टोटल कितना हो रहा है। बच्चों लॉटरी हो गया 2 लाख, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, लॉटरी 2 लाख, विनिंग फ्रॉम सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख, लॉटरी हो गया 3 लाख और 1 लाख हो गया हमारा हॉर्स रेस। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा? 6 लाख। चलिए तो हमने स्पेशल इनकम 6 लाख को क्या कर लिया? लेस कर लिया। बचा कितना हमारे पास? 21 लाख। 21 लाख पे हम लोग क्या लगाएंगे? स्लैब रेट, है ना। तो आपको याद है 2.5 लाख तक हमें टैक्स देना होता है क्या? नहीं सर, 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना। इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंगली हमें कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट 2.5 लाख पर हमें 5% टैक्स पे करना होगा, 12,500। फिर मुझे नेक्स्ट 5 लाख पर 20% टैक्स पे करना होगा जो कि 1 लाख हो जाएगा। अब बच्चों 21 लाख रुपीस में 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, उसके बाद फिर 5 लाख पर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 21 लाख रुपए में हमने ऑलरेडी 10 लाख रुपीस पर टैक्स निकाल लिया। अब बच कितना रहा है हमारे पास, ये सोचो ना आप। तो बच रहा है हमारे पास 11 लाख रुपीस। तो 11 लाख रुपीस में जब हम 30% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 3,30,000। तो आइए अब हम लोग पहले टैक्स को टोटल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा कौन कौन सा टैक्स बना, देखो स्क्रीन पर मैंने एकदम आपको मिनिमाइज कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या टैक्स निकाला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 40,000 प्लस लॉटरी 90,000 प्लस हॉर्स रेस 30,000। उसके बाद स्लैब रेट जब हमने लगाया तो 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 3,30,000। चलिए बच्चों इसको कैलकुलेट कीजिए, ऐड कीजिए, टोटल टैक्स कितना बना? ये 6 टैक्स को ऐड कीजिए, क्या टैक्स आ रहा है? 6,02,000। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 40,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 3,30,000। ओके कितना हो गया टैक्स टोटल? 6,02,500 हमारा टैक्स हो गया। लेकिन बच्चों क्या सरकार इतना टैक्स से मान जाएगी? आंसर नो।
गवर्नमेंट को और टैक्स चाहिए 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दीजिए 4%, तो इसका निकालते हैं हम लोग 4%, कितना हो गया 24,100 हो गया हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा टैक्स पेबल, ₹6,26,600। होप सो बच्चों यहां तक आपको क्लियर होगा। चलो आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों हम लोगों ने उस क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर लिया, आ जाओ एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो पीजीबीपी में मान लो हम लोगों ने इनकम कितना ले लिया, 11 लाख रुपीज। ओके, हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, 2 लाख रुपीज। एसटीसीजी हो गया हमारा 3 लाख। देन बच्चों एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, बच्चों ये स्पेशल इनकम है। आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि सर ये तो स्पेशल इनकम है और स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट लगता है, सर इस पर तो 15% लगेगा। जबकि बच्चों जो एसटीसीजी अदर देन 111A होता है वो नॉर्मल इनकम के जैसा ट्रीट होता है। ये नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम के जैसा ट्रीट होता है, और ये बच्चों इस पर सिंपल स्लैब रेट ही अप्लाई होता है, स्लैब रेट। लॉटरी तो कैजुअल इनकम है बच्चों, क्योंकि ये एक तरह का जुआ है, तकदीर से जीतने वाली इनकम है, इस पर 30% टैक्स लगेगा। एलटीसीजी सेक्शन 112, इस पर भी बच्चों 20% टैक्स लगेगा, ये भी तो स्पेशल इनकम है। और बच्चों एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, मैंने क्या बताया था बच्चों, जब ये बियॉन्ड 1 लाख के बियॉन्ड होगा तब टैक्सेबल होगा, अदरवाइज ये क्या है, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट है ना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, आप रेट ऑफ टैक्स जाकर देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं डिविडेंट इनकम पर, किस पर बात करते हैं, डिविडेंट इनकम पर, गॉट द पॉइंट, डिविडेंट पे बात करते हैं। अच्छा बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर डिविडेंट कोई स्पेशल इनकम है? नहीं बच्चों, ये नॉर्मल इनकम होता है, ठीक है, पहले ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था, इसके लिए अलग रूल्स थे, बट अब ऐसा नहीं है, आप इसको सिंपली एक नॉर्मल इनकम के जैसा ट्रीट करना। ओके चलो, तो उस तरह से अगर हम देखें तो टोटल इनकम हमारे पास कितना हो जा रहा है, 23 लाख। चलो मतलब ये रफ क्वेश्चन है बच्चों, मोटा मोटी। अब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि आप सबसे पहले चेक करो कि आपके पास स्पेशल इनकम कितना है, स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट लगाओ, जो इनकम बच जाए उस पर आप क्या लगा दोगे, उस पर क्या अप्लाई करोगे, स्लैब रेट, है ना बच्चों, स्लैब रेट। तो सबसे पहले हम आते हैं स्पेशल इनकम पर। तो देखिए कौन कौन सा इनकम हमें दिखा, एसटीसीजी, मैंने अभी जस्ट आपसे बात भी किया इस पर, 15%, लॉटरी पर हमने लगाया 30%, एलटीसीजी पर 20%, और यहां तो 10% लगेगा बच्चों एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, लेकिन अप टू 1 लाख हमें कोई टैक्स नहीं देना होता, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एग्जेम्प्ट होता है। तो बच्चों अब आप सोचिए कि जब हम टैक्स निकालेंगे तो एसटीसीजी 2 लाख पर अगर हम 15% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30,000। चलो 30,000 हमारा ये टैक्स हो गया, लॉटरी पे 30%, 60,000 ये हो गया, एलटीसीजी सेक्शन 112 इस पर 20% लगेगा, 20,000 ये हो गया। तो टोटल टैक्स हमारा बच्चों स्पेशल टैक्स हो गया 30 + 60 + 20, है ना। चलो देखो मैंने कैलकुलेट किया है, एसटीसीजी पर कितना निकाला, 30,000, क्योंकि 15% के अकॉर्डिंगली,
उसके बाद लॉटरी पे 60,000 और LTCG पे 20,000। अब बच्चों सवाल यह है कि जो इनकम हमारा बच गया, जो बैलेंस इनकम बच गया, उस पर हम लगा देंगे स्लैब रेट। तो बैलेंस इनकम बचा कितना ये हमें समझना है। बच्चों आप सोचो जरा, हमारे पास टोटल इनकम कितना था। लो क्वेश्चन वापस से स्क्रीन पर लाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कितना था, 23 लाख। 23 लाख में आपका कौन कौन सा इनकम इन्वॉल्व्ड है, अदर इनकम में क्या हो गया, पीजीबीपी 11 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, 13 और STCG 3 लाख। तो 13 और 3 16 लाख। चलिए डिविडेंड को आप नॉर्मल मानेंगे 17 लाख, और LTCG सेक्शन 112 तो एग्जेम्प्ट है, उसकी बात ही नहीं करते हैं। यानी इतने इनकम पर मुझे क्या लगाना होगा, स्लैब रेट। तो देखो बच्चों 17 लाख पर अब मुझे स्लैब रेट लगाना है, तो 2.5 लाख तक क्या हो गया हमारा, नील। आप जानते हो 2.5 लाख तक कुछ भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होता। नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 1 लाख। बच्चों 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 5 और 5, 10, 17 लाख तो बच ही रहा है टैक्स ऑन बैलेंस एट स्लैब रेट। तो बैलेंस इनकम हमारा कितना बचा स्पेशल इनकम को हटाकर, 17 लाख, है ना। 17 लाख पर हमने स्लैब रेट लगा दिया, तो लास्ट वाला जो रूल है वो 7 लाख पर 30% लगा, 21,000 रुपए, है ना, सॉरी 2,10,000। अब हम टोटल टैक्स को जोड़ लेंगे बच्चों। तो देखो कौन कौन सा टैक्स आया, STCG पे 30,000 प्लस 60,000 लॉटरी पर, 20,000 LTCG पर, फिर स्लैब रेट में हमारा 12,500, फिर 1 लाख, फिर 2,10,000। इस तीनों टैक्सेस को आप ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, चलिए 4,32,500, कोई दिक्कत। उसके बाद हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, निकालिए 4%, चलिए 70,000। ओके ओके ओके, कैलकुलेट कर लिया कितना आया कैलकुलेटर पे, कैलकुलेट करके 17,300 रुपए। बच्चों इसको हम ऐड कर दिए। अच्छा ये 4% है बच्चों, किसका, इस अमाउंट का 4%, ये आ जाएगा हमारे पास टैक्स पेबल। फोर लाख 49,800। चलिए होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां तक मैं वीडियो को एकदम से स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूं, आप आराम से रिलैक्स होकर नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चंस को भी लिख लीजिएगा।